क्वेश्चन नंबर 52, इन अ रेडियो एक्टिव डिके चेन थोरियम 232-90 डिकेस टू लेड 212-82, एन अल्फा एंड एन बीटा आर द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन द डिके प्रोसेस, देन हमें अल्फा बीटा पार्टिकल का नंबर फाइंड करना है। तो देखो सीधे सीधे थोरियम 232-90 कन्वर्ट हो रहा है लेड 212-82। अब देखो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, बीटा पार्टिकल के एमिट होने से मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर हम मास नंबर का चेंज निकालें, तो अगर इसमें से एन अल्फा पार्टिकल निकले, एक अल्फा पार्टिकल निकलने से ये 4 से डिक्रीज होता है, तो एन अल्फा पार्टिकल अगर इसमें से निकले हैं तो एन अल्फा इंटू 4 को हम लोग लिख सकते हैं 232-212। तो 232-212 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 20 के इक्वल। तो यहाँ से एन अल्फा की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी 5 अल्फा पार्टिकल इसमें से निकले हैं। अब अगर 5 अल्फा पार्टिकल निकले हैं तो इसके एटॉमिक नंबर में 10 कम होना चाहिए। अब अगर 10 कम होना चाहिए तो अल्फा के हिसाब से ये वैल्यू 80 होनी चाहिए, लेकिन ये 82 है, यानी 2 बढ़ गई है। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल इसमें से 2 निकले होंगे, क्योंकि बीटा पार्टिकल जब एक निकलता है तो मास एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। तो एन अल्फा और एन बीटा, तो हमारे ऑप्शन इसमें ए और सी करेक्ट आ जाएंगे।